क्या आपकी उम्र 20 साल की है या 25 साल की है या 30 या 50 या 100 साल की, जो भी आपकी उम्र है, जो आपका शरीर का उम्र है, योर बॉडीज एज क्या मैच कर रहा है क्या आपकी उम्र के साथ, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। अगर वो मैच नहीं कर रहा है, आपकी जो रियल उम्र है और बॉडी की जो उम्र है अगर वो मैच नहीं कर रहा है, तो ये पूरा वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो, ये सीरीज आपके लिए है, ये वीडियो आपके लिए है। इसको पूरा एंड तक देख के तो आपको समझ में आएगा कि ये जो हमारा उम्र के हिसाब से जो बॉडी का एज होना चाहिए वो मैच क्यों नहीं करता है, क्या चीज हमारा खान पान होता है या क्या चीज, उसको हम समझने की ट्राई करेंगे। तो ये जो पहला सीरीज का पहला जो वीडियो है, इस पे हम समझेंगे कि ऑक्सीडेशन क्या है, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, और कुछ एग्जाम्पल के जरिए हम इसको समझने की ट्राई करेंगे। सो वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल, दिस साइड किशोर कुमार, ऑनलाइन बिजनेस कोच, और आप सभी लोगों का स्वागत है। चलो शुरू करते हैं। क्या कर रही हूँ? सब्सक्राइब का बटन दबा दो प्लीज, और घंटा भी दबा दो। ओके बाय। सबसे पहले समझते हैं कि ये एंटीऑक्सीडेंट आखिर है क्या। अंडरस्टैंडिंग एंटीऑक्सीडेंट, इसको पहले समझते हैं। बहुत लोगों को ये मालूम होगा, बट मैं 1-2-3 मिनट लूंगा, ओवरलैप कीजिए उसको, फिर से एक बार समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मैं चाहूंगा कि एकदम सरल लैंग्वेज में आपको समझाया जाए कि एक बच्चा भी समझ जाए और एक बहुत बड़ा डॉक्टरेट जो हो वो भी इस चीज को समझ जाए, एक गृहिणी भी समझ जाए और एक बिजनेसमैन भी समझ जाए। और उसको समझना प्यार से बहुत जरूरी है कि एंटीऑक्सीडेंट आखिर है क्या, क्या ऐसा चीज है एंटीऑक्सीडेंट। तो जैसा कि मैंने आपको स्क्रीन पे एक पिक्चर दिखाया है, जिसमें ज्यादा करके मैंने वो फ्रूट्स दिखाए हैं, बेरीज दिखाए हैं, कुछ ऐसी चीजें दिखाए हैं जो कि एंटीऑक्सीडेंट के रिच सोर्स हैं, स्रोत हैं, वहां से एंटीऑक्सीडेंट निकलती है। अब एंटीऑक्सीडेंट को समझते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट आखिर क्या चीज है। कभी आपने फ्री रेडिकल वर्ड सुना होगा, कभी आपने एंटीऑक्सीडेंट सुना होगा, ये सारी चीज घूमती रहती है एक दूसरे के इर्द गिर्द, लेकिन एक्चुअली है क्या। तो मैं सरल लैंग्वेज में अगले 5 मिनट में आपके सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर भी कर दूंगा और कॉन्सेप्ट का एक बढ़िया सा स्टैम्प बना के आपके ब्रेन में लगा लूंगा, ताकि आप इस कॉन्सेप्ट को एकदम बढ़िया से समझ सकें। एंटीऑक्सीडेंट के जो सोर्सेज हैं वो एक खास सोर्सेज हैं। आप देखेंगे कि वो बेरीज से निकलेगा, वो कुछ खास तरीके से चीजों से निकलेगा, और मैं बहुत सारी चीजें यहाँ पे दिखा रहा हूं आपको स्क्रीन पे, वो उस तरीके की चीज है। लेकिन एंटीऑक्सीडेंट समझने के पहले ऑक्सीडेशन को समझते हैं। ऑक्सीकरण, यदि आपने स्कूल में पढ़ा होगा, आपके बच्चों के बुक में देखा होगा, तो ऑक्सीडेशन और इस तरह की रिडक्शन टाइप की चीजें आपने देखी होगी। तो ऑक्सीडेशन समझते हैं कि ऑक्सीकरण क्या चीज है। एक पिक्चर ये देखिए आप, यहां पे क्या हो रहा है। तो यहां पे लोहे का जंजीर है, और उस लोहे के जंजीर को यदि आपने कुछ समय तक छोड़ दिया तो वो जो है जंग लग गया, तो क्या हुआ, रस्टिंग हो गया। क्या हुआ यहां पे, यहां पे ऑक्सीकरण हुआ, ऑक्सीडेशन हो गया। एक और एग्जांपल दीजिए, ये एक तांबे का या पीतल का मटका है। ये मटका यदि कुछ समय तक छोड़ दिया जाए तो इस पे ये हरे रंग का कोई एक उस पे लेयर आ जाएगा, या वो हरा पड़ जाएगा। छोटू से कोई भी तांबे का बर्तन कितना चमकता है, लेकिन उसको कुछ समय छोड़ दें तो वो काला पड़ जाएगा, हरा पड़ जाएगा। क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। एक और एग्जांपल लेते हैं, ये एक सेव है। सेव को आपने कट किया और काट के खा लिया, अच्छी बात है, थोड़ी देर छोड़ दिया, एक फोन आ गया, फोन पे रह गए, कहीं घूमते रह गए, ये रह गए, और वो टेबल पे पड़ी रही। कुछ समय के बाद वो सेव का ऐसा सिचुएशन हो जाएगा, वो काला पड़ जाएगा। क्या हुआ, एप्पल टर्निंग ब्लैक, मतलब क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीकरण हो गया उसका। तो जो भी आपने ये प्रोसेस देखा कि ये चाहे वो जंजीर जंग लग गई, रस्टिंग हो गया, ये जो है पीला या काला पड़ गया, सॉरी हरा या काला पड़ गया, पीतल तांबा, ये जो सेव जो है काला पड़ गया, ये सब चीज क्या हुआ, तो ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीकरण हुआ, ये ऑक्सीकरण का एक प्रोसेस हुआ। तो हर जगह पे ये ऑक्सीकरण हो रहा है। तो ये ऑक्सीकरण यदि इसी तरीके से आप इसको समझें, तो ये ऑक्सीकरण हमारे पूरे शरीर में जो असंख्य कोशिकाओं से बना हुआ है, आवर बॉडी इज मेड ऑफ ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल, इतना ज्यादा कि असंख्य कह सकते हैं इसको, बिकॉज आप काउंट नहीं कर सकते, ट्रिलियंस ऑफ सेल, मिलियन भी नहीं, ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस। तो उस पूरे के पूरे शरीर में ये ऑक्सीकरण की प्रक्रिया निरंतर चल रही है।
ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसको ऐसे समझते हैं कि ऑक्सीडेशन क्या करता है, तो ये सेल्स को ब्रेक डाउन कर देता है जिससे आपको बीमारियां होती हैं, सेल्स को ब्रेक डाउन कर देता है जिससे आपको बीमारियां होती हैं और प्री मेच्योर एजिंग होती है, मतलब जल्दी बुढ़ापा आता है, जल्दी जो है एजिंग शुरू हो जाती है। और एजिंग सिर्फ चेहरे पे दिखने वाला बुढ़ापा नहीं है, काल बाल सफेद हो गए या झुर्रियां पड़ गई या स्किन ढीला पड़ गया या रिंकल्स आ गए, या ये सिर्फ बुढ़ापा नहीं है, बुढ़ापा आपका एनर्जी लेवल है, बुढ़ापा आपके अंदर के ऑर्गन का हेल्थ है, आपके ऑर्गन का उम्र है, आपकी बॉडी का जो 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 एक्चुअल एज है वो एज है। एक्चुअल एज तो आप एक जन्म जब लिए हैं तो एक एज है, जब आप एक्चुअली हमारे वेलनेस एडवाइजर्स जब टेस्ट करते हैं आपका, तो आपका एक बॉडी एज बताते हैं और एक आपका बर्थ डेट के हिसाब से एक क्रोनोलॉजिकल एज बताते हैं। तो ये जो बॉडी एज है वो उस तरीके से निकाली गई कि आपके ऑर्गन्स की क्या उम्र हुई पड़ी है, तो ये एजिंग है, प्री मेच्योर एजिंग। आपकी उम्र यदि 75 साल है और आपकी बॉडी एज भी 75 साल है तो ये पैरेलल चल रही है, लेकिन ऐसा भी पॉसिबल है कि आपकी उम्र सिर्फ 45 साल है और आपकी बॉडी का एज 60 साल हो चुका है, भैया पता लगा सकते हैं मशीन से नाप के। तो ये जो जो प्री मैच्योर एजिंग है वो सिर्फ चेहरे से नहीं दिखेगा, पूरे बॉडी के फंक्शन से दिखेगा। तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की बात करते हैं, ऑक्सीडेशन हमने समझा, ऑक्सीडेशन होने से एक ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होगा, ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कैन डैमेज एवरी कंपोनेंट ऑफ योर सेल, आपके सेल की कोशिकाओं की हर एक कंपोनेंट को, हर एक पार्ट को, कंपोनेंट को वो जो है डैमेज कर सकता है और करता है, मतलब प्रोटीन्स को डैमेज करता है, एंजाइम्स को डैमेज करता है, यहां तक कि डीएनए को डैमेज करता है, क्योंकि आपकी सेल कोशिकाएं प्रोटीन से बनी है, एंजाइम से बनी है, तो ये सारी चीजों को वो डैमेज करता है। किस किस बात से कर रहा है, तो ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की बात हमने की, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। वाकई में ये पार्ट आपको अच्छा लगा होगा, जो भी आपने चीज को समझा है तो कमेंट बॉक्स में वो चीज आप लिखिए, या आप अपना सवाल आप लिख सकते हो, तो डेफिनेटली उस सवाल का हम आंसर देंगे और दूसरे वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, तो अपने लोगों के साथ शेयर करिए, अपनी फैमिली मेंबर्स को साथ शेयर करिए कि ये जो प्रॉब्लम जो आपने समझने की ट्राई किया है तो आपके भी फैमिली में हो सकता है, आपका ये वीडियो शेयर करने से उसकी जिंदगी बच सकती है, वो डिजीज बच सकती है। तो ये वीडियो को तुरंत इंस्टेंट अभी व्हाट्सएप पे शेयर करें। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को पूरा एंड तक देखने के लिए, मिलते हैं एक नए पार्ट के साथ, थैंक यू।